प्लानर में मौजूद है ऑब्वियसली एडिशन और सब्ट्रैक्शन की क्वेश्चंस, वन डिजिट तो नहीं है आपके पास, टू डिजिट और थ्री डिजिट्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की क्वेश्चन है। तो फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू, यहां पे मैंने बोर्ड यूज कर रहा हूं मैं, और मैं क्या कर रहा हूं कि मैं टू डिजिट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पर आप देखो, टू डिजिट हम कैसे कहते हैं कि वंस और टेंस, जो वैल्यूज हमारे पास वंस और टेंस में होती हैं वो हमारे पास टू डिजिट वैल्यूज होती हैं। यानी कि अगर आप इसको देखो तो 32, ठीक है, और हम अपने राइट से यानी कि 1 एंड देन लेफ्ट पे 3, ठीक है। तो मेरे पास कितने टेंस हैं? 3 टेंस, मतलब 3 पेयर्स ऑफ 110, 30, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है? 30 की है। और यहां पे कितने वंस हैं मेरे पास? 2 वंस हैं, यानी कि 32 and 62, यानी कि 60 10, एंड यूनिट में मेरे पास 2 की वैल्यू है। तो यहां पे 2 यूनिट्स हैं। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमने कहां से करना है? 1 से। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 की जो वैल्यू है वहां से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करूंगा और फिर अपने लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है? 2 plus 2, ठीक है। अब आप इसको ऐसे कर लो, 1 and 2, 2, 1, 2, यानी कि आई एम मेकिंग अ सर्कल, 1, 2 plus 2, 1 and 2। अब लेट्स काउंट टुगेदर, 1, 2, 3, 4, 2 plus 2 is equal to 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 2 plus 2 is equal to 4, एंड देन अब ये साइड मेरी सॉल्व हो गई है। अब मुझे 10 वाली साइड यानी कि लेफ्ट साइड को जो है वो सॉल्व करना है, तो 3 plus 6। अब मैंने क्या किया? ऑब्वियसली 3 के अंदर 6 प्लस करना, तो वैसे तो ये इजी है कि आप 6 के बाद 3 तक प्लस कर ले उसको फिंगर्स की मदद से भी, यानी कि 6 बड़ी वैल्यू है। उसके बाद मैं कर लेता हूं 6 7 8 9, यानी कि 6 plus 3, 6 के बाद 7 8 9। या अगर आपको ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, बाय यूजिंग योर फिंगर, यू मस्ट यूज योर फिंगर। आपके पास यहां पर फिंगर पे ये बॉक्सेस भी मौजूद हैं, ईच फिंगर हैज 3 बॉक्सेस, ये नजर आ रहे हैं ना, 1 2 3, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, 1 2 3 4 5 6 6 6 6 plus 3 या 3 plus 6, तो 3 1 2 3 3 हो गया, एंड देन व्हाट आई हैव टू ऐड, 6 मोर, 1 2 3 4 5 6, यानी कि मेरी तीनों फिंगर के अंदर जो है वो 3 और 6 की वैल्यूज आ गए। तो हम इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एब्सोल्युटली राइट। या आप इसको कैसे कर सकते हो, आप इसको जैसे आप बचपन में कर रहे होते थे ना, ये मैं आपको इजी ट्रिक्स बता रहा हूं, आई नो कि यू कैन सॉल्व इट वेरी वेल। तो मैंने क्या करना है, 1 2 3 3 6 बनाई, साइन ऑफ प्लस एंड देन 6, 1 2 3 4 5 6, 1, अब इसको हम वी विल काउंट ऑल टुगेदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो यहां पर आ जाएगा 3 plus 6 is equal to 9। इट मींस आई हैव 9 10 and 4 1s, आई हैव 9 10s and 4 1s, इट मींस इन अ 9 हाउ मेनी वंस आई हैव, हाउ मेनी वंस आई हैव इन 9, 10, 90, इफ यू विल काउंट द कॉइन्स टुगेदर, 1 रुपए के कॉइन्स हैं आपके पास, तो आपके पास 90 कॉइन्स होंगे, तो ये 90 रुपीज बनेंगे, ठीक है, और प्लस 4 होंगे तो फिर आपके पास कितने हो जाएंगे, 94 रुपीज हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। अच्छा जी, आप यहां पर देखते हैं सब्ट्रैक्शन है obviously, तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट आई विल मेंशन हियर, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, 1 और 10 को मैंने मेंशन कर लिया। 1 को मैं कैसे मेंशन करूंगा, उसका सिंबल क्या है, O, और 10 को मैं कैसे मेंशन करूंगा, उसका सिंबल क्या है, T, इज दैट क्लियर। अब हम उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो मुझे क्या करना है, स्टार्ट। ओके गाइस, अब आपने एडिशन को अच्छे से समझ लिया होगा,
नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन मींस होता है माइनस. किसी भी चीज में से आपने उस चीज को निकालना है, वैल्यू को निकालना है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव 2 रुपीज, आपके पास 2 रुपीज है, 2 रुपए है आपके पास, और आपने क्या किया कि 1 रुपए की चीज ले ली है. हाँ, तो 1 रुपी आपने यू विल गिव टू द शॉपकीपर. 2 रुपए में से 1 रुपया आपने अपने शॉपकीपर को दे दिया, तो आपके पास कितने होंगे? 1, ऑब्वियसली. सो माइनस करने को हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं. तो यहां पर भी अगर आपको नजर आ रहा हो मेरे पास 2 डिजिट वैल्यू है, और 2 डिजिट वैल्यू में मेरे राइट साइड पे 1 है, यानी कि 1 1 O एंड द लेफ्ट साइड T फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. मैंने क्या करना है अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं करूंगा 1 से सॉल्व जो मेरे राइट साइड पर मौजूद है. ठीक है, 1 से इसको सॉल्व करना है 1 की तरफ से. तो अब हमने क्या करना है, हमारे हमें जो 1 की वैल्यू में आप देखोगे पहली वैल्यू है 84 and 30. सो यहां पर मेरे पास जो वैल्यू है 1 में वो पहली वैल्यू है 4. कौन सी वैल्यू है, सबको विजिबल हो रही है? 4. और नीचे अगर आप देखें तो दिस इज 0. ठीक है, तो मैंने क्या करना है, 4 में से 0 को माइनस करना है. इफ यू हैव 4 रुपीज, अगर आपके पास 4 रुपए है और आपने कुछ भी खर्च नहीं किया, 0 की वैल्यू आपको पता है ना, 0 की वैल्यू होती है 0, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है उसकी. वैसे अगर आप किसी डिजिट के साथ लगाएंगे टेंस में आ रहा है उसमें, तो उसकी वैल्यू होती है. लेकिन सिंगल में अगर आप बात करूं, यानी कि आपने कुछ भी खर्च नहीं किया, आपके पास 4 रुपए थे और 4 रुपए सेव किए हुए, आपने खर्चा नहीं हुआ है बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 4 में से 0 माइनस होंगे, 0 मींस होता है नथिंग. 4 में से 0 माइनस होंगे तो कितना बचेगा? ऑब्वियसली 4. ठीक है, 4 कैंडीज आपके पास मौजूद है. ठीक है, और आपने कोई भी खाई नहीं है, यू हैव इन योर पॉकेट, आपकी पॉकेट के अंदर मौजूद है, तो क्या होगा आपके पास कितनी कैंडीज हैं? ऑब्वियसली जब आपने यूज नहीं किया, 0 यूज किया आपने, तो आपके पास आंसर आएगा 4. इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट साइड आई हैव अ 10. जी, सो 10 में मेरे पास कितनी वैल्यूज है? यहां पर 8 and 3. ठीक है, 8 and 3. 8 tens का मतलब क्या है? 81s. 3 tens का मतलब क्या है? 31s. इज दैट क्लियर ना? मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस वीडियो में कि आपके पास 10 के वंस के अगर 10 पेयर हो, ठीक है, तो वो बन जाता है 110. तो मेरे पास 8 tens है और यहां पर 30 tens है, 3 tens है. तो अब मुझे क्या करना है, 8 में से 3 को माइनस करना है. 8 रुपीज आपके पास है. ठीक है, How many rupees you have? 8 rupees. ठीक है, आपके पास 8 rupees हैं. ये कुछ rupees जो हैं वो अच्छे नहीं हैं. Triangle type के. But आप इसको suppose कर लो कि these are the rupees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. How many rupees I have? I have 8 rupees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. -3. यानी के मुझसे 3 रुपए जो है वो खर्च हो गए, या मैंने अपने भाई को दे दिए, या अपनी बहन को दे दिए, कजन को दे दिए, तो मैंने ये माइनस कर दिए, 1, 2, and 3, यानी कि ये 3 निकाल दिए. सो वी विल काउंट टुगेदर, हम सब एक साथ काउंट करेंगे कितने रिमेनिंग है. सो 1, 2, 3, 4, 5. इट मींस कि अगर आप 8 में से 3 को निकालेंगे, माइनस करेंगे जैसे कि मैंने किया, सो व्हाट वुड बी द आंसर? इट वुड बी 5 रिमेनिंग रहेगा. इज दैट क्लियर? So, answer आ गया 54, यानी कि 84 में से अगर आप 30 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 54. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा और आप ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं 2 डिजिट के, वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. और यही क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं करने, यहाँ तो मैंने आपको थोड़े से क्वेश्चन दिए हैं, आप क्या करोगे, आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी के अंदर जो आपने बनाई है घर में, उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे एडिशन की. और यू कैन सेंड मी, आप मुझे भेज सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस दिखा सकते हैं चीजों को बहुत अच्छे से. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपके फिंगर टिप्स पर हो जाएगा ये. तो अब हमने ये सॉल्व कर लिया है, अब मैं जाऊंगा 3 डिजिट्स की तरफ. ठीक है, ओके गाइस, तो अभी हमने किया 2 डिजिट एडिशन. आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. अब मेरे पास है 3 डिजिट्स. ठीक है, 3 डिजिट्स का मतलब आपको पता है 3 डिजिट वैल्यू कितनी होती है 100 में. ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक, 1, 10, 100. 3 डिजिट वैल्यू जितनी भी होती हैं वो 100 में होती हैं.
इज दैट क्लियर? तो मेरे पास है यहां पर एडिशन, मुझे क्या करना है 327 में ऐड करना है मुझे 351. सो मैंने क्या किया, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहां पे आपने देख लिया होगा कि मेंशन है 110 100 110 100. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू 327 351. सो आप सबको पता है कि हमने स्टार्ट करना है इसको 1 से. सो लेट्स डू 7 and 1. सो मैंने क्या कहा, अभी फिलहाल मैं उसको क्या करता हूं, यहां पे स्ट्रिप से ही कर लेता हूं. वैसे मैंने आपको बता दिया फिंगर के जरिए भी और आपकी पोर्स के जरिए भी, मतलब ये बॉक्सेस जो है फिंगर में इनके जरिए भी, लेकिन अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहां पे स्टिक्स के जरिए कर रहा हूं. तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक 7 स्टिक्स हियर, 1 2, एंड यू विल काउंट विद मी गाइस, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 7 6. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड इन इट, मैंने ऐड क्या करना है इसके अंदर 1. सो हियर इज अ साइन ऑफ प्लस, this is a plus sign, and what I'm going to do, I'm going to add one more stick, okay? And what we will do, we will count it together, okay? So let's count 1 2 3 4 5 6 7 plus 1 8. It means if we will add 1 in 7, so it would be 8. 1 2 3 4 5 6 7 8, absolutely right. So 1 में क्या आएगा 8, एंड अब हमने करना है 10 को सॉल्व. तो मेरे पास 10 में क्या है 2 and 5, तो मैंने क्या किया 1 and 2 प्लस 1 2 3 4 5. इट्स इजी. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू काउंट टुगेदर टू देम 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स इजी. सो 7 विल बी हियर. एंड नाउ द 100, 3 plus 3, it's easy, 3, 4, 5, 6, 3 plus 3, 3, after 3 you will count 3 more, 3, 4, 5, 6, it would be 6, but let's do it, 1, 2, 3, 3. Plus 1, 1 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 5, 6. 6, that's good. It means if you are going to add 327 with 351, the answer will be 678. 678. It means 81, 710, and 600. Is that clear? 678. It would be your answer. And if you want to do this in your copy, if you want to make a line, अगर आप ऐसा rough work करना चाहते हो, so what you will do, paper के, ठीक है, इस side पे आप क्या करोगे, एक rough work का column बना लोगे, ठीक है, इस तरीके से पतला सा एक column बनाएंगे, आप उसके अंदर करेंगे, in between of page नहीं करेंगे, ताकि वो neatness आए, ठीक है, समझ आ गया? अब मुझे क्या करना है? This one is the last question, और इसी तरीके से आप सारे questions को attempt कर लेंगे. यहां पे सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है और मेरे पास 3-digit वर्ड्स हैं, यानी कि 1, 10 and 100. 3-digit वर्ड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? 100 में होते हैं, 100 की वैल्यूज में होते हैं. तो वैसे ही हुआ 1, 10 and 100. एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द 1. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ऐड, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, यू विल स्टार्ट फ्रॉम द 1. ठीक है, 1 से आपने स्टार्ट करना है. अच्छा जी, 2 rupees है आपके पास और कोई भी खर्चा नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ खर्च नहीं किया, 2 rupees जेब में ही है, तो कितने बचेंगे आपके पास? आई कैनॉट हियर यू, लाफे दांत मत निकालिए, मुझे जरा जवाब दे दीजिए. 2 rupees सर. वेरी गुड, इट मींस यू विल रिमेन, यू हैव 2 rupees इन योर पॉकेट बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड देम. वेरी गुड. नाउ इन द 10 वैल्यू वी आई हैव 6 and 4. Is that clear? So I'm going from right to left. So 6 minus 4. If you have 6 rupees and you are going to spend 2 rupees, what you are going to have after it? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It means what you are going to spend? 4. 1, 2, 3, 4.
4 has gone. So you have, what you have? You have 2 rupees. Two. What you have? 2 rupees. 2 rupees. 6 minus 4, it means you are going to have 2 rupees. Okay, the 9. 9 is in the value of 100. Okay, 900 and 700 here. So 9 minus 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I'm going to draw the 9 lines here. And then I'm going to minus 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many are there? 2. Very good. 1 and 2. So in a 100 value, it would be 2. So it means if you are going to minus 962, की जो वैल्यू है टोटल उसमें से अगर आप माइनस करेंगे 740 तो आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा 222. इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको सबको समझ आ गया होगा. और अब हम जाएंगे बुक की तरफ. ऑब्वियसली बुक को भी सॉल्व करेंगे, सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करना है. तो ये क्वेश्चंस आपके प्लानर में मौजूद हैं, आपको उन सबको सॉल्व कर लेना है. मैंने आपको सिंगल सिंगल क्वेश्चन समझा दिया है. और एक और बात, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि रफ कॉपी के अंदर आपने प्रैक्टिस करनी है. सो प्रॉमिस मी दैट यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन अ रफ कॉपी. टिल देन अल्लाह हाफिज़.